सवाई मानसिंह स्टेडियम, पूरा जगमगा जाता है रोशनी से। बुझी हुई राख नहीं मैं अमरदीप हूँ, बुझी हुई राख नहीं मैं अमरदीप हूँ, वतन पर जो मिट गया मैं वो अमर शहीद हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको लेके आई हूँ अमर जवान ज्योति, दिल्ली का नहीं, जयपुर का। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर आज मैं आपके साथ आई हूँ, जो कि डेडिकेटेड है हमारे उन शहीदों के नाम जिन्होंने अपने वतन को अपने से ऊपर समझा। तो अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, एंड आई एम श्योर आप सब लोग अपने देश से बहुत 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 प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, सो अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अमर जवान ज्योति, ट्रू ट्रिब्यूट टू आर रियल नेशनल हीरोज, ग्रेट डिजाइन, काम प्लेस, लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी। द अमर जवान ज्योति वॉज बिल्ड इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द मार्टिरडम एंड ब्रेवरी ऑफ जयपुर सोल्जर्स who laid their lives for the sake of country. यहाँ पर आपको एक upturned rifle दिखेगी which is enveloped by warhead covering. अमर जवान ज्योति अनवील की गई थी 1972 में प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। शाम के टाइम तो अमर जवान ज्योति की खूबसूरती देखने लायक होती है। इट इज़ ट्रू दैट देयर आर मैनी जयपुर टूरिस्ट प्लेसेस, बट अमर जवान ज्योति इज अ मस्ट एडिशन टू जयपुर टूर पैकेजेस। This place is well maintained and beautifully designed. It's a must visit for history lovers. This place is super informative as well. यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम, जहाँ मैं आपको अभी कुछ ही देर में लेके चलूंगी। यहाँ पर हमारे शहीद जवानों के नाम भी इंग्रेव्ड हैं as a mark of respect. There's no greater sacrifice known to man other than giving one's life in the defense of the nation. I salute to our martyrs. May the soul of all the martyrs rest in peace. Dil se niklegi na mar kar bhi watan ki ulfat. Dil se niklegi na mar kar bhi watan ki ulfat. Meri mitti se bhi khushbu-e-wafa aayegi. और अमर जवान ज्योति की बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे होंगे, ये है सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर का बहुत फेमस सवाई मानसिंह स्टेडियम, जहां पर आए दिन क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं। हर शाम को 7:30 से 8 बजे तक यहां पर लाइट एंड साउंड शो होता है हिंदी में, और आधे घंटे के गैप के बाद लाइट एंड साउंड शो होता है इंग्लिश में, और जिसमें बताया जाता है हमारे वॉर हीरोज़ के बारे में। और ये जो सारा आप अमर जवान ज्योति देख रहे हैं, पूरा जगमगा जाता है रोशनी से। पहले क्या था कि यहाँ पर जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, यहाँ पर देख के लोग इस लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद अब लोग सामने आप देख रहे हैं वो स्टेयर्स जो बनी हुई है, वहाँ पर बैठ के इस लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करते हैं। ये जो बिल्कुल सामने आप एक ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है विधानसभा, और अमर जवान ज्योति इज लोकेटेड एट द जनपथ नियर विधानसभा। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम में। इस वॉर म्यूजियम का बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, जो वॉइस डिस्क्रिप्शन दी गई थी हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी वॉरियर्स की, आपको पता है दिस लिटरली गेव मी गूज बम्स। Thank you.
वॉक थ्रू वार्ड म्यूजियम बहुत ही अच्छा है, स्पेशली अगर आप यहाँ अपने यंग किड्स को लेके आए। इट विल हेल्प देम लर्न अबाउट द सेक्रीफाइस आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड सोल्जर्स हैव मेड फॉर द कंट्री। एब्सोल्युटली अमेजिंग शोकेसिंग वाइज स्टैचूज, मॉडल्स एंड वीडियोज, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर मस्ट विजिट प्लेस इन जयपुर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर किस टाइम आया जाए, आप यहाँ पर 24/7 एवरी डे विजिट कर सकते हैं और यहाँ आने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी पड़ेगी। Strategically blockaded the enemy's ports by Indian Air Force, crippled them from the skies. And Basantar and Lonawala in the west. India's tricolor proudly fluttered on hitherto foreign lands as 93,000 Pakistani soldiers, led by their commander, Lieutenant General A.A.K. Niazi, surrendered before the might of our forces. This war memorial represents the sung and unsung heroes of our independence struggle. मतलब यहाँ आके जो मुझे फील हो रहा था ना, उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। सेना ने दुश्मनों को यह स्पष्ट कर दिया कि देश की अखंडता और गौरव को बनाए रखने के लिए वो अपनी जान की बाजी भी दांव पर लगा सकते हैं। आजादी He lay there, calm and composed. He lay there with supreme pride. As Barsa wept, and Barsa stood silent and bigoted, as Bera, in a hail of tears, cried, Jai Hind. यहाँ आके ना मुझे इस बात की रियलाइजेशन भी हुई दैट वी आर लिविंग दिस पीसफुल लाइफ बिकॉज ऑफ आवर सोल्जर्स हु आर ऑन द बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनिमीज। मतलब कितना जोश, कितना जुनून, कितना प्यार होता है इनको अपने देश के लिए। शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था, लेकिन मैं एक्साइटेड थी लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए, और थोड़ी थोड़ी लाइट्स तो ऑन होनी शुरू हो गई थी ये देखिए। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा और पास जाके शूट किया जाए। वाओ, दीज ब्राइट अनस्वर्विंग फ्लेम्स आर प्रूफ दैट हीरोज डोंट डाई, दे लिव थ्रू देयर वर्ड्स एंड डीड्स। This place is also called a flame of immortals. Light and sound show देखने के बाद मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ, हालांकि मन तो बिल्कुल भी नहीं था घर जाने का। और सामने मुझे दिखी विधानसभा की खूबसूरत सी बिल्डिंग रोशनी में नहाई हुई। So guys, ये था मेरा आज का वीडियो। शूट करते हुए कितनी बार मेरी आंखों में आंसू आए, बहुत ही प्राउड फील हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।